बड़ी गाड़ी ना मिलने के चलते दहेज लोभी ससुरालियों ने विवाहिता का गला घोटकर उतारा मौत के घाट। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के जनपद भोजपुर थाना क्षेत्र के घास मंडी मोहल्ले में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जब एक विवाहिता को दहेज लोभी ससुरालियों ने कम दहेज मिलने के चलते गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। सुबह होते ही मृतका पति जुबेर आलम ने अपने ससुराल पक्ष को सूचना दी कि आपकी बेटी की मृत्यु प्रेस करते समय बिजली का करंट लगने से हो गई है। आनंद फानंद में मृतका परिजन सुबह घटना की सूचना पर पाकर मृतका लड़की के ससुराल पहुंचे और मौका माइनर कर पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगाकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। आगे की वैधानिक कार्यवाही में पुलिस जुटी है। आपको बताते चलें, 8 माह पूर्व डिलारी थाना क्षेत्र के गाँव सिमालखेड़ा निवासी शाइस्ता बी के परिजनों ने मुस्लिम रीति रिवाज के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भोजपुर के घास मंडी मोहल्ले के जुबेर आलम के साथ दान दहेज के साथ शादी की थी, जिसके चलते शादी के कुछ दिन तक तो ठीक चला। फिर मृतका के ससुराल पक्ष वाले फिर से दहेज में बड़ी गाड़ी की मांग करने लगे, जिसमें मृतका के परिजनों ने मृतका के पति जुबेर आलम को 5 लाख रुपए गाड़ी के लिए दे रखे थे। फिर भी वह दोबारा से दहेज की मांग करने लगे, जिसके चलते मृतका के परिजनों को दोबारा दहेज न देने के चलते दहेज लोभी ससुरालियों ने रात्रि के समय मृतका के साथ मारपीट कर गला घोटकर विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया है। और सुबह होते ही मृतका के पति ने मृतका परिजनों को सूचना दी कि आपकी बेटी की प्रेस करते समय करंट लगने से मौत हो गई है। मौके पर पहुंची मृतका के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल पक्ष पर कार्यवाही की मदद की गुहार लगाई है। पुलिस ने मृतका पिता की तहरीर पर पति सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की पुलिस जाँच कर रही है। मृतका परिजन में सभी का रो रो कर बुरा हाल है। ये घटना कैसे घटी? क्या कहते थे? बड़ी गाड़ी मांगते थे। तो फिर क्या हुआ? फिर पैसे भी दे दिए थे, फिर भी इनको और बड़ी गाड़ी की मांग थी, तो इसी वजह से वो नाराज रहे, तंग रखे। फिर क्या हुआ? तंग रखे करे तो इसी वजह से इन्होंने फांसी देकर मार दिया। तो फांसी देकर के मारा है? हाँ, फांसी देकर। गले पर निशान हमसे ये झूठ बोला था कि लाइट ने पकड़ा था, तो लाइट का कोई निशान भी नहीं है। देखा आन के तो सुबह गले पे निशान थे और सुबह की कहीं और निशान थे। क्या ये घटना कैसे घटी है? ये साहब ये 2 फेरी पैसे मांग चुके मुझसे, तो पैसे के बाद में मिस्टर बोले पापा मुझे पैसे दे दो तो मैं गाड़ी लाऊँ, बड़ी गाड़ी। अच्छा। इधर 5.5 लाख रुपये मैं दे चुका हूँ, 5.5 लाख 9,95,000 की गाड़ी है। तो मेरे पास पैसा पेमेंट नहीं है, मैं दूंगा। इसके बाद में गाड़ी खत्म कर दी, बात कैसे खत्म करी? फांसी देखा मारी। आपको कैसे पता चला? खरोट आ रही है, चले गला बताया ये बताया, लाइट से पकड़ा है लेकिन फांसी देकर। हाँ, फांसी देकर मार दी है, फांसी देकर मार दी है। क्लियर है इसमें तो, ये तो कोई बात थोड़ी है। सभी लोग थोड़ा जाओ, टेस्टिंग कर लो। मोहम्मद इरफान जी, क्या समस्या, कैसे हुई घटना? सर ये कहना लड़का है, इसको आज काम करता था, गाड़ी के लिए डिमांड करता था, बड़ी गाड़ी के लिए। हमने गाड़ी के लिए इनको पैसे भी दिए थे 5.5 लाख रुपये, ये उस पर भी संतुष्ट नहीं थे। ये जो है बड़ी गाड़ी की डिमांड करते रहते थे, आज जब गाड़ी को कम करते थे, और इसी को लेकर जो है इन्होंने जो है ना इसको जो है ज़्यादा गंदा पहुँचा दिया, जान से मार दिया उसको। मतलब किस चीज़ से मारा? फांसी लगा कर सर इसको। हमसे बोला गया कि लाइट ने पकड़ लिया इसको, हमने देखा इसको, हमने इसकी जांच पड़ताल की तो कहीं पर भी जो है कोई लाइट का फाट का कोई निशान नहीं है, गले पर निशान है इसके। उन्होंने जो है फांसी लगा कर उसको मारा है। हो गया था शादी को करीब 6-7 महीने हो गए सर, ये करीब 23 फरवरी को शादी हुई थी।